मोदी जी कहते हैं दो लड़के पैदा करिए, है ना। आयुष्मान कार्ड बनवाने मैं गया तो कहा हमने कहीं घर में कितने आदमी, हमने कहा चार, कहीं पांच होंगे तो आयुष्मान कार्ड बनेगा। तो एक काम करो, या तो तुम हमारे घर आ जाओ या तुम हमका अपने घर में रख लो। हाँ जाए, वो 50 किलो आ रही थी, 40 किलो आ रही है, गैस वो महंगी हो गई है। बीजेपी का वक्त था, अब बीजेपी बैक मार रही, क्योंकि अपने मुद्दों पे अपने वादों पे बीजेपी खड़ी नहीं उतरी। जब तक बेवकूफ जिंदा अकलमंद भूखा रहता नहीं, जनता बन गई मूर्ख, भाजपा बन गई अकलमंद, समझ रहे, हो गया सत्यानाश। तो पब्लिक अब समझ चुकी, परख चुकी है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे समाज की नजर, मैं हूँ आपके साथ राजीव। इस समय है फतेहपुर लोकसभा में देवरी मोड़ पे, हमारे साथ यहाँ पे कई स्थानीय लोग हैं, सभी लोगों से चर्चाएं करेंगे। लोकसभा चुनाव 2024 का माहौल क्या है, जैसा कि आप सभी को पता है कि कल की डेट में वोटिंग होने वाली है, स्थानीय लोग हैं, बातचीत करेंगे। दद्दा देखिए बैठे थे यहाँ पे, दद्दा क्या नाम है आपका? बाबूलाल। बाबूलाल यही गाँव है अपना जी। अब कल के तारीख में मतदान होने वाला है, अगर बात की जाए तो चंद घंटे ही बचे हैं, तो क्या माहौल लग रहा है, क्या सोच के इस बार वोट डाला जाएगा? अच्छा है माहौल। क्या सोचेंगे, विकास को लेके देंगे या रोजगार को लेके, कानून व्यवस्था, क्या विचार रहेगा? सबको देखेंगे, तीनों चीजों को। सबसे प्रमुख क्या माना जाए, विकास माना जाए या रोजगार माना जाए? दो प्रमुख है, हाँ, रोजगार और विकास। विकास, अच्छा, विकास और रोजगार की अगर बात आती है तो आपने तो कई दौर देखे हैं, सबसे बढ़िया विकास और रोजगार कौन सरकार में रहा है आपके नजर? आपने तो कई देखे, बसपा की भी रही है, राज्य की अगर बात की है सपा की भी रही है, और केंद्र में कांग्रेस की भी रही, बीजेपी की भी रही है। हाँ, तो इंदिरा जी के शासन में हमने देखा, इंदिरा जी के शासन में ना बढ़िया विकास रहा है। आपके बगल की सीट है, राहुल गांधी जी भी चुनाव लड़ रहे हैं वहाँ से, तो क्या लग रहा है आपको, समीकरण बैठेगा उधर का? उधर की हमें ज्यादा जानकारी नहीं है, लोगों से हवा मिलती रहती है, मिलती रहती है। हाँ, तो यहाँ पे इंडिया गठबंधन से नरेश उत्तम पटेल जी चुनाव लड़ रहे हैं मैदान में, बीजेपी के दूसरी और तीसरी बार मैदान में। हाँ, तो आमने सामने की लड़ाई बसपा बीजेपी में है या सपा और बीजेपी में? सपा बीजेपी में, सपा जो आम पब्लिक में रूमर है, रूमर मतलब दो पार्टियों का रूमर है कि मतलब दो पार्टियों में आमने सामने की लड़ाई मान सकते। बताइए क्या नाम है? तिवारी जी। तो तिवारी जी, अपने यहाँ की अगर बात की जाए तो इस समय लोकसभा चर्चा में है, तो क्या आप लोगों का मुद्दा रहेगा इस बार, किस मुद्दे को लेकर वोट डालेंगे? भाजपा, विकास को लेके या रोजगार? क्या विकास, क्या लग रहा है तीसरी बार हैट्रिक लगेगी फतेहपुर में? प्रत्याशी तो आपके वही है, माहौल बन रहा है विकास को लेके? देखिए भैया कह रहे हैं विकास को लेके और भी लोग हैं, लोगों से भी चर्चाएं करेंगे। कहा भैया, हो गया काम? आप बताइए क्या नाम है? हमारा नाम है पप्पू यादव। यादव जी, हाँ जी। तो यादव जी की इस बार इधर क्षेत्र में संख्या कैसी है? इस बार संख्या जो है भाजपा की यहाँ से हट रही है, भाजपा के यहाँ से हट रही है और जा किधर रही है? जा रही सीधा अखिलेश के पास। अखिलेश के पास, एक बात जानी जाए, आप तो जानते होंगे कि समाजवादी पार्टी रोजगार मिल रहा है, समाजवादी पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जी नरेश उत्तम पटेल चुनाव लड़ रहे हैं आपके क्षेत्र में, तो क्या लग रहा है मामला क्रॉस कर जाएंगे, क्योंकि दो बार के बीजेपी के सांसद हैं यहाँ पे मौजूदा? नरेश उत्तम इस बार यहाँ से कम 1.5-2 लाख वोट से लीड करेंगे, बन जाएगी गाने, बन जाएंगी पूरी 100%। अच्छा, क्या सोच के वोट डालेंगे नरेश उत्तम पटेल को? ना तो देखिए भाजपा के पास ना तो किसी के लिए रोजगार है, ना किसानों के लिए है कोई आए, किसानों के आए तो दुगनी हुई, सरकार ने वादा किया था किसानों के, हाँ दुगनी हुई है। खाद है वो 50 किलो आ रही थी, 40 किलो आ रही है, गैस वो महंगी हो गई है, क्या हुआ है बताइए किसानों के लिए? आपका क्या नाम है, नाम बताइए? जवाहर मौर्या। मौर्या जी, तो मौर्या जी इस बार क्या करे, मंदिर के नाम से, मतलब सिर्फ मंदिर के नाम पे वोट थोड़ी मिल जाएगी, कहने का मतलब है महंगाई भी देखिए, जनता की परेशानी भी समझिए। मौर्या जी है, बातचीत करते हैं, तो दा क्या माहौल लग रहा है क्षेत्र में, चुनाव आ गया, क्या स्थिति है? हमारा नाम ही नहीं है वोटर लिस्ट में, वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं आया, इससे पहले कभी वोट डाले? पहले डाला, मायावती को देते थे। अच्छा, मायावती को देते थे। अच्छा, मायावती के क्षेत्र में हम लोग चर्चाएं देख रहे हैं कि मायावती चर्चाएं थोड़ी कम चल रही, इधर क्या मामला है? नहीं, मायावती का कोई लड़ाई में नहीं। तो फिर इस बार क्या मतलब मौर्या लोगों की तरफ मामला जाएगा? हम आज तक ये धूप में नहीं कर बे नहीं बहन, ठीक, वोटर लिस्ट से नाम हट गया, पता नहीं क्या है।
आप ही कट गया कि घर में और किसी का भी कट गया? नहीं, हमारा कटा आप घर गया? का है। और भी लोग हैं, लोगों से चर्चाएं करेंगे। देखिए इधर अगर देखें तो भैया देखिए नमकीन चल रही है और कहीं ना कहीं दोपहर का समय, भैया गर्मी का भी टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो चुनाव का भी टेम्परेचर इस समय बढ़ा हुआ है। क्या नाम है भैया? हमारा नाम है अब्दुल कवि। अब्दुल कवि भैया यही रहते हैं? यही रहते हैं फतेहपुर में। फतेहपुर में जी। फतेहपुर लोकसभा इस समय चर्चा में है, बगल की आपकी रायबरेली भी चर्चा में है। जी, जी, जी। दोनों में बड़े नेता चुनाव लड़ रहे हैं। जी, जी। तो क्या लग रहा है कि बीजेपी तीसरी बार मैदान में जाएगी या समाजवादी पार्टी वापसी कर लेगी? देखिए बड़े भाई, हर चीज का एक वक्त होता है, समझ रहे हैं? बीजेपी का वक्त था, अब बीजेपी बैक मार रही, क्योंकि अपने मुद्दों पे अपने वादों पे बीजेपी खड़ी नहीं उतरी, फ्लॉप हो गई पूरी तरीके से। तो किसानों की आय कहाँ दुगनी हो गई? हमको दिखाइए कहाँ दुगनी हो गई? किसानों के खेत तो जो है जानवर चल जा रहे हैं, किसान क्या करे? किसान तो मर रहा है बेरोजगार, कितने किसान जो है बेचारे आत्महत्या कर रहे हैं। युवा क्या सोच के वोट डालेगा? आप तो युवा है, क्या सोच के डाले? युवाओं का भविष्य अंधेरे में, ठीक है? कोई नेता एक बार चुन लिया जाता है, विधायक बन जाता है तो आजीवन काल के लिए उसकी पेंशन जारी रहती है, ठीक है? आप अग्निवीर जो है फोर्स भर्ती फौज भर्ती कर रहे हो, 18 साल में भर्ती हो, 22 साल में रिटायरमेंट, न तो उसकी कोई पेंशन न तो कुछ, क्या करेगा आदमी, कहाँ जाएगा? 5 किलो राशन भी तो मिल रहा है। 5 किलो राशन मिल रहा है? 5 किलो राशन से घर चल जाता है तुम्हारा? नहीं, क्या करे दादा? 5 किलो राशन न दो, 50 किलो कमाने वाला बना दो। 50 किलो कमाने वाले का प्रोसेस कैसे बनेगा आप लोग बताइए? ये वो सोचिए, गवर्नमेंट सोचिए जो वादे करती है कि हम आपको रोजगार देंगे। अच्छा, गवर्नमेंट ने अगर बात की जाए तो कांग्रेस के घोषणा पत्र में है कि 8500 रुपए महीना महिलाओं को मिलेगा, क्या इससे कुछ लग रहा है? कांग्रेस के मुद्दे की बात न करिए, आप सिर्फ जिस सरकार की बात कर रहे हैं उसकी बात करिए। देखिए ऐसा है, वो 5 किलो राशन माननीय मोदी जी न दे जनता को, जनता की सिर्फ एक दो चीजें हैं, शिक्षा, समझ रहे हैं, और मेडिकल, इसको फ्री कर दें। शिक्षा और स्वास्थ्य दो चीजें फ्री कर दें हिंदुस्तान के अंदर आजीवन काल के लिए। मोदी जी, उनके वंशज, उनके पार्टी आजीवन काल के लिए भारत में कायम रहेगी। शिक्षा और स्वास्थ्य। अच्छा, स्वास्थ्य के लिए जैसे मोदी जी की एक योजना चल रही है कि 5 लाख रुपए आयुष्मान कार्ड वालों का। आयुष्मान कार्ड आप बनवाए हो? नहीं, हमारा तो नहीं बना है। नहीं बना है ना, और उसके तुम पब्लिक का बखान कर रहे हो। सुनिए, मोदी जी कहते हैं 2 लड़के पैदा करो, तीसरा एक मिनट रुक जाइए भैया बोलने, जब मोदी जी कहते हैं 2 लड़के पैदा करिए, है ना? आयुष्मान कार्ड बनवाने मैं गया तो कहा हमने कहीं घर में कितने आदमी, हमने कहा 4, कहीं 5 होंगे तो आयुष्मान कार्ड बनेगा। तो एक काम करो, या तो तुम हमारे घर आ जाओ या तुम हमका अपने घर में रख लो। जब 5 लोग होंगे तभी बनेगा भैया, हमारे साथ चलो। 6 लोग, 6 हाँ, 6 लोग होंगे क्या भैया? आप बताओ कितने लोग होंगे? 6 लोग। 6 लोग। तो आप कई तरह चाहिए ये बताइए, इधर लोकल में कई लोग हैं, किसी को बना आयुष्मान कार्ड इधर क्या भैया? खोला है किराए का लड़का, किराए का लड़का खोला है, तुम हमारे घर में रही आओ। दलालों को आयुष्मान कार्ड बने हुए, नेता हाफ रेट पर उसको प्रयोग करा रहे हैं, किसी गरीब आदमी का नहीं बना। अच्छा, मोटा माटी अगर जाना जाए तो लोकल में प्रत्याशी हावी होगा या पार्टी पे वोट पड़ेगा, आप बताइए, आप लोगों का क्या मुद्दा है, विचार? क्या ऐसा है, अखिलेश जी ने बहुत विकास किया, जितनी आप सड़कें देख रहे हो, डायल 100 उनकी देन, 108 उनकी देन, ठीक है? और आप जो है बच्चियों का जो है कन्यादान उन्होंने दिया, ठीक है, लैपटॉप बच्चों को उन्होंने बांटा, ठीक है। विकास के मुद्दे पे अखिलेश जी चुनाव लड़े, बने थे। दुर्भाग्य था कि जब तक बेवकूफ जिंदा अकलमंद भूखा रहता नहीं, जनता बन गई मूर्ख, भाजपा बन गई अकलमंद, समझ रहे, हो गया सत्यानाश। तो पब्लिक अब समझ चुकी, परख चुकी है, समझ रहे हैं ना? तो देखिए भैया, ये लोकल में थे और अगर बात की जाए तो चौराहा था, चौराहे पे कई लोग बैठे थे।